ये महादेव पट्टी है, नगर पालिका को कार्यालय और ये अफ्ताब, और ये पीछे कैमरामैन का नाम है अफ्ताब, और हम लोग आ चुके हैं अभी महादेव पट्टी। ये बहुत ही पुराना गांव है, लोगों का कहना है लगभग 200-300 साल पुराना गांव है यहाँ पर बसा हुआ है, लेकिन इस गांव का यही कमी है कि साले कभी आगे बढ़ नहीं पाया। यही तो क्या खाता है इस गांव के आदमी समझ में नहीं आ रहा। और ये दोनों इस गांव के मुख्य कारण हो रहा है, जितना बार मिलता है जो साला पता लेता है क्या। Thank you.
ये दोनों सुअर ये हाथ देखो पीछे, और ये दोनों सुअर है देखिए, आदमी आदमी है। गाइस ये दोनों सुअर को देखो, और ये आगे ड्राइवर है वो बंटा है, बहुत बंटा। सावधान रखे, सावधान रहे, और सावधान को सावधानी साथ गाड़ी को चलाइए। Yeah.
I've seen in my dreams. I'm feeling like in the first time we ever meet. You made the train feel slow, so slow, just like slow rivers flow, so slow.
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं इस गांव में, आप लोग देख सकते हो आगे पीछे ये है, यहाँ पर हम लोग है क्या है, नेपाल का, नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है पीछे, वहाँ पर देख सकते हो पीछे, यहाँ पर पीछे, यहाँ पीछे इधर, और इधर भी आ लोग, गाइस ये देखो, देख सकते हो गाइस, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब और दिखाते हैं आप लोगों को इस गांव का नज़ारा। ये गांव पता है बिल्कुल, ये गांव बहुत ही पिछाड़ी है, डिप्लोमेंट में बहुत ही पिछाड़ी है। गाइस हमारे इस वीडियो में बने रहिए और देखिए सत्तर का नज़ारा। ये तो गाइस हम लोग सुना है कि ये गांव बहुत ही पीछे और चोर भी यहाँ बहुत है, यहाँ पीछे देख सकते हो यहाँ पर झंडा लगा हुआ है, पीछे देख लो, चलो देख लो गाइस, पीछे देख लो, उधर पीछे देख सकते हो आप लोग, वही हम लोग देखने चले गए। चलो ये है बहुत मेला, देख सकते हो ये पिछा रहा है, पीछे भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, पीछे देख सकते हो, तो गाइस हम लोग आए हैं यही गांव में घूमने आए थे, पर ऊपर देखो ये कैसा अजीब टाइप का साउंड है, ये पीछे देख सकते हो, पीछे पीछे देखो, पीछे ये टावर है, ये टावर जैसा है ना, इसमें कि ना बहुत ही भयानक, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होता है, इसलिए इसमें आवाज़ आ रही है, एक अजीब टाइप का आवाज़।